चरवाहा बालक और भेड़िया। एक गांव में एक चरवाहा बालक रहता था। वह रोज अपनी भेड़ों को जंगल में लेकर पास स्थित घास के मैदान में जाता। वहां वह भेड़ों को चराने के छोड़ देता और खुद एक पेड़ के नीचे बैठकर उन पर निगाहें रखता। उसकी यही दिनचर्या थी। दिन भर पेड़ के नीचे बैठ बैठ उसका समय बड़ी मुश्किल से करता था। उसे बोरियत महसूस होती थी। वह सोचता कि काश मेरे जीवन में भी कुछ मज़ा और रोमांच आ जाए। एक दिन भेड़ों को चराते हुए उसे मजाक सूझा और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया। वहाँ से कुछ दूरी पर स्थित खेतों में कुछ किसान काम कर रहे थे। चरवाहे बालक की आवाज़ सुनकर वे अपना काम छोड़कर उसकी सहायता के लिए दौड़ चले आए। लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुँचे, वह ठहाके मारकर हंसने लगा। किसान बहुत गुस्सा हुआ, उसे डांटा और चेतावनी दी कि आज के बाद ऐसा मजाक मत करना। फिर वे अपने अपने खेतों में लौट गए। चरवाहे बालक को गांव के किसानों को भागते हुए अपने पास आते देखने में बड़ा मज़ा आया। उनकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। अगले दिन उसे मकसनी सूझी और वह फिर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया। खेत में काम कर रहे किसान अनहोनी की आशंका में फिर से दौड़ चले आए, जिन्हें देखकर चरवाहा बालक फिर से जोर जोर से हंसने लगा। किसानों ने उसे फिर से डांटा और चेतावनी दी, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद जब तब वह किसानों को इसी तरह भेड़िया आया कहकर बुलाता रहा। बालक के साथ कोई अनहोनी न हो जाए यह सोचकर किसान भी आते रहे, लेकिन वे उसकी इस शरारत से बहुत परेशान होने लगे थे। एक दिन बालक पेड़ की छाया में बैठकर बांसुरी बजा रहा था कि सच में एक भेड़िया वहाँ आ गया। वह सहायता के लिए चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया। लेकिन उसकी शरारत से तंग आ चुके किसानों ने सोचा कि आज भी ये बालक उन्हें परेशान करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए वे उसकी सहायता करने नहीं गए। भेड़िया उनकी कुछ भेड़ों को मारकर खा गया। चरवाहा बालक दौड़ते हुए खेतों में काम कर रहे किसानों के पास पहुंचा और रोने लगा, आज सचमुच भेड़िया आया था, वह मेरी कुछ भेड़ों को मारकर खा गया। किसान बोले, तुम रोज हमारे साथ शरारत करते हो, हमें लगा कि आज भी तुम्हारा इरादा वही है। तुम हमारा भरोसा खो चुके थे, इसलिए हम में से कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आया। चरवाहे बालक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे प्रण लिया कि वह फिर कभी झूठ नहीं बोलेगा और दूसरे को परेशान नहीं करेगा। सीख: बार बार झूठ बोलने से लोगों के विश्वास पर चोट पहुंचती है और उनका विश्वास टूट जाता है। किसी का विश्वास पात्र बनना है तो हमेशा सच्चाई के साथ रहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।